बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन 36 to 40, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन में डिफरेंस क्या है? एटम जो है वो मैटर, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका बेसिक यूनिट है। एटम पे प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता। एटम इंडिविजुअल के तौर पे एग्जिस्ट कर भी सकता है और इन स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं भी कर सकता, मींस आजाद हालत में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। एटम को हम सिंबल्स के थ्रू जाहिर करते हैं। अगर एटम को एक सिंबल से जाहिर करें तो वो कैपिटल लेटर होगा, अगर एटम्स को मोर देन वन सिंबल्स के थ्रू जाहिर करें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो सेकेंड वन है वो स्मॉल होगा। इसी तरह से जो आयन है वो इंडिविजुअल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। आयन के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस या माइनस होता है और जो चार्जेस हैं प्लस या माइनस को कंबाइन करके फार्मूला यूनिट्स बनाते हैं। ये था एटम्स और आयन के बारे में डिफरेंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में इस तरह से आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन, डिफरेंशिएट एटम और आयन, इस तरह से पेपर में पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम है, एटम और आयन में फर्क बयान करें, एटम और आयन में क्या फर्क है, इस तरह से पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज के टाइम। ऐसा अगर किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ गए तो उसको के टाइम या पॉजिटिव आयन बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेटल्स हैं उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और उन पे प्लस चार्ज आ जाता है। जब कोई भी एटम अपने वेलेंस शेल में से वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, तो उन पे प्लस चार्ज आ जाता है। और अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसको के टाइम बोलते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सपोज करें आपके पास हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम अपने वेलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना ही प्लस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। हाइड्रोजन मेक्स हाइड्रोजन आयन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इस इक्वेशन को इस तरीके से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सपोज करें आपके पास सोडियम एटम है, अगर सोडियम अपने वेलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसलिए उसके ऊपर प्लस वन चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर कैल्शियम एटम है तो कैल्शियम एटम अपने वेलेंस शेल में से टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसने टू इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसलिए इसके ऊपर प्लस टू चार्ज आ जाएगा। तो के टाइम्स ऐसे एटम्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, तो ऐसे एटम्स को के टाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज A9s। व्हाट आर A9s? A9s क्या है? A9s की तारीफ लिखे इस तरह से आ सकता है, A9s के टाइम के अपोजिट है। के टाइम्स में एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे, लेकिन A9s में ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन्स को जज़ब करें, उनको A9s बोलते हैं। तो देखें क्लोरीन है, ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा, तो क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज आ गया। अब क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि आयनिक फॉर्म में है और इसको क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, ये अब क्लोराइड हो गया है क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है। इसी तरह से सपोज करें आपके पास ऑक्सीजन गैस का एटम है, ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल में अगर टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा, दो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तो अब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अब ये ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन जज़ब किए हैं इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज आ जाएगा। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन जज़ब करे उतना माइनस चार्ज आता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या खारिज करे उस पर उतना प्लस चार्ज आता है। तो A9s में एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं, जज़ब करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे उन पे उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एटम्स जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करें तो एक स्टेबल पार्टिकल बनता है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं।
मॉलिक्यूल्स को केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये किसी भी एलिमेंट का बेसिक यूनिट है, किसी भी कंपाउंड का बेसिक यूनिट है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या माइनस चार्ज आ जाए तो उसको मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। अगर कोई भी मॉलिक्यूल वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल मोर वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा। तो जो मॉलिक्यूलर आयन है इसको उनका वो जो इनके यूनिट होते हैं उसको रेडिकल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एटम्स का ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उन पे प्लस चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर ले तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिंबल्स हैं। इसी तरह से कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें उनको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बोलते हैं। मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, ये एक अलग से क्वेश्चन है, शॉर्ट ऑन दोनों तरह से पेपर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, व्हाट आर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, इस तरह से पेपर में पूछ सकता है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जैसे मॉलिक्यूलर आयंस हैं, जब मॉलिक्यूल वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट स्पीशी है उसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। सपोज करें आपके पास नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, अगर तो ये न्यूट्रल फॉर्म में होता तो इसको N2 से रिप्रेजेंट करना था, लेकिन क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है N2+। इसी तरह से जो सुई गैस का मॉलिक्यूल है, सुई एक मुकाम है, एक इलाका है जहाँ से ये गैस निकलती है, वैसे बेसिकली ये मीथेन गैस है। अगर मीथेन गैस के मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो उस पूरे यूनिट के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है और वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, इसको CH4+ से ज्यादा करते हैं। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऐसे मॉलिक्यूल को कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम।